सरकारी इमारत के अंदर सरकारी गाड़ी को चोरी करने वाला खुद सरकारी अफसर निकला। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा एंट्री ऑपरेटर है जैन नकवी, वो इसमें शामिल था। मेरी गलती है, मेरी सीसीटीवी मौजूद है मेरी। मैं हूं आपका मेजबान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, पुलिस भी काम अपना कर रही है, लेकिन आपको अनोखी एक वारदात दिखाते हैं कि सरकारी इमारत के अंदर सरकारी गाड़ी को चोरी करने वाला खुद सरकारी अफसर निकला, जो गवर्नमेंट में जॉब करता है और रेवेन्यू ऑफिस में। हम इनकी थोड़ी डिटेल लेंगे कि ये चोरी किस तरीके से करते थे, क्या है। हमारे साथ SHO कैंट है, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या इन्फॉर्मेशन थी इनके पास, क्या इन्फॉर्मेशन थी, और सरकारी मुलाजिम है ये, और 125 भी एक सरकारी चोरी हुई थी पुलिस की। काफ़ी अरसे से हमें शिकायतें मिल रही थी कि मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, खासकर 125 है मोटरसाइकिलें। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख साहब ने स्पेशल टास्क दिया कि इस पर काम किया जाए, उस पर हमने काम किया। CCTV की मदद से हमने उस चीज़ को फॉलो किया, सर्च किया, तो उसमें फिर हमें पता चला कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा एंट्री ऑपरेटर है जैन नकवी, वो इसमें शामिल था, क्योंकि ये आइस का मवली है, आइस पीता है, और पहले भी चालान है चोरी के केसों में, चर्च में भी चालान है, कार चोरी में भी चालान है। अभी कैसे पकड़ा इसको और मोटरसाइकिल? अभी CCTV की मदद से पकड़ा, क्योंकि हमारे पास FIR दर्ज थी, एक FIR मोटरसाइकिल की दर्ज थी, सरकारी गाड़ी से पहले भी 125 गई उसकी भी दर्ज थी। नहीं, वो सरकारी गाड़ी कहाँ से चोरी? ये शहबाज बिल्डिंग से। अच्छा, शहबाज बिल्डिंग DIG ऑफिस से ये चोरी हो गई, और सरकारी गाड़ी थी, और हमारे लिए ये बड़ा एक टास्क था कि एक सरकारी प्रॉपर्टी को रिकवर करना। फिर हमने रिकवर किया, इसको गिरफ्तार किया, पुलिस कस्टडी रिमांड लिया, CCTV फुटेज की मदद से, और जितनी भी डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स जो एविडेंस हैं, उसके आधार पे इसको गिरफ्तार किया। कितनी गाड़ियाँ रिकवर हुई? अभी जो हमारी सरकारी गाड़ी गई है वो है एक 125 है, बाकी भी मोटरसाइकिलें हैं जो रिकवर हुई हैं। दो गाड़ियों की तो FIR है, बाकी की NC है, तो हम कोशिश करेंगे जिनकी गाड़ियों की रिपोर्ट है उनको ऐसे ही दें, ताकि कोर्टों में चक्कर लगाना नहीं पड़े। जो बाकी, इसके अलावा हमने एक GLI गई थी वो रिकवर की है, एक रिवो गई थी वो रिकवर की है, तो ठीक ठाक गाड़ियाँ रिकवर हुई, इंशाल्लाह दूसरी भी गाड़ियाँ रिकवरी के चांसेस हैं। आम जो चोर है उसको पकड़ना ज़रा मुश्किल होता है, मुझे पकड़ लेता आदमी इजीली, लेकिन जो कोई इससे पहले भी हमने कोर्ट का पेउन था उसको पकड़ा था, वो गाड़ी चुरा रहा था, तो जो सरकारी मुलाजिम हो उसको पकड़ना, वाइट कलर जॉब को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपने SHO कैंट है, उनकी गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ जैन नकवी है, हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जैन, सरकारी मुलाजिम हो और अच्छी जॉब पर हो, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि आपने गाड़ियाँ चोरी करनी शुरू कर दी? सर, गाड़ी वो मैं एक ही मुखालते से ले गया था सर, वो मैंने दे दी साहब को वापस सर। एक मुखालते में ले गए थे, बाकी जो दो केसों में चलान हुए हैं वो क्या मसला था सर? वो एक, वो भी मुखालते में हुआ है? नहीं सर, वो मलीर कोर्ट में कराची में गया था दोस्त के साथ तारीख पे, तो वहाँ से बाहर से मुझे मशकूक समझ के उठा लिया था सर। तो वो जिस केस पे मेरी, मतलब जिस महीने की 30 तारीख को मेरे पे FIR डाली थी, उस वक्त मैं हैदराबाद एक केस में जेल कस्टडी में था, तो वो केस विड्रॉ हो गया था सर, लेकिन वो CRO वगैरह तो बन जाता है, वो 16 दिन में केस विड्रॉ हो गया था, जज साहब ने मुझे छोड़ दिया था, मैं जेल कस्टडी भी नहीं हुआ था, लेकिन वो CRO तो बन जाता है सर। अच्छा, मुखालते में सरकारी 125 जिसका कलर ही अलग है, वाइट कलर है, उसको कैसे मुखालते में ले गए? CC फुटेज है, सब कुछ मौजूद है जी? जी सर, CCTV बिल्कुल मौजूद है। वो दोस्त ने कहा था कि गाड़ी खड़ी है, वो आप ले जाएं, तो मैंने भी चाबी लगाई सर, एकदम वो भी लग गई, तो मैंने सर वह दे दी मैंने वापस सर। तो मतलब एक अजीब सी बात नहीं लगती, सरकारी अफसर होकर ये काम करना, फिर अपने उस झूठ पर पर्दा डालना, आपको अच्छा लगता है, जेब देता है ये चीज़ें? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्यों पकड़ा है? पुलिस की ज्यादती दुश्मनी आप? नहीं नहीं सर। तो फिर क्यों पकड़ा हुआ? ऐसे तो बहुत सारे लोग शहर में घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, आपको क्यों पकड़ लिया? नहीं सर, गलती है मेरी, CCTV मौजूद है मेरी। तो चोरी की ना आपने? आपने गुफ्तगू सुनी, सरकारी मुलाजिमों ने ये काम करना शुरू किया, इससे पहले भी कोर्ट का एक मुलाजिम था वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, अब ये रिवेन्यू में अफसर है 16 ग्रेड में, अब वो जब ये चोरी जैसी वारदातें करेगा
तो फिर हालात किस तरफ जा रहे हैं आप बेहतर बाखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे। लेकिन हैदराबाद पुलिस की ये कामयाबी थी, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से ये काम सर अंजाम दिया। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ इमरान मलिक, मिरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।